अपना करा जाए, जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लेन वेरी स्मॉल डेटा. अभी जो जनवरी और फरवरी का सेल था, जो हम लोगों का ही, मैं अपना डेटा बता रहा हूँ फ्रॉम ऑल द स्टोर्स, आफ्टर यू नो अनलॉक वन, ये आई डोंट नो, मतलब आई वाज आल्सो वंडरिंग कि कैसे जाएगा, बट ये अपने आप 1.5 गुना सेल पहुंचा डाइनिंग का. दूसरा एक और दिमाग में मिथ है कि अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, सब कुछ क्लाउड पे चलेगा. ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी लंबा टाइम लोगों ने लॉकडाउन का देखा है और उससे दो चीजें बहुत अच्छी और मैं कह सकता हूँ हमारे फेवर में निकल के आई हैं. पहली चीज है, एक तो पीपल वांटेड टू गो आउटसाइड एंड चेक द फूड विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर देम. तो पहला तो ये कि लोग देखना चाहते हैं कि कैसे सामने बन रहा है, क्या हाइजीन है, क्या मेंटेनेंस है, क्या ब्रांड है, और किस तरीके से लोग वहां पे काम कर रहे हैं, एक ये देखना चाहते हैं थोड़ा सा आफ्टर कोविड. सेकेंड, थर्ड पार्टी कॉन्टेक्ट को अवॉइड कर रहे हैं लोग. जैसे क्या होता है, अभी आप देखिए बहुत सारे सिटीज में, इफ यू जस्ट डिटेल्ड आउट इन योर सिटी, यू विल फाइंड आउट कि जो बिजनेस स्विगी जोमाटो और बाकी चैनल का था, वो बहुत डाउन हुआ है, क्योंकि उससे लोग हट रहे हैं. तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिजनेस खराब हो रहा है, वो डाइनिंग में कन्वर्ट है. तो क्योंकि हमारा, हम अपना सेल में भी देख रहे हैं, हमारे सेल में भी वही अपग्रेडेशन हुआ है. तो ये तो रहा पॉइंट कि हम फूड बिजनेस क्यों करें और क्यों नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं जिनसे भी मेरी बात होती है, उन लोगों को ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि यार अब फूड का कैसे चलेगा, लोग अवॉइड कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, देर आर हाई चेंजेस, इवन द स्टोर्स विच आर डूइंग सेल ऑफ 9,000 रुपीज इन जनवरी फरवरी, आर 2-3 स्टोर्स हैव ऑलरेडी अपग्रेडेड बाय मोर देन यू नो 12,000 रुपीज फॉर पर डे सेल. तो ये तो एक मैं डेटा बता रहा था, जस्ट टू क्लियर योर थॉट. नाउ स्टार्ट विद आर ब्रांड, हाउ वी स्टार्टेड. अभी 2017 से हम लोगों ने एक ज्वाइंट स्टार्ट करा मिस्टर सैनिज के नाम से, दिस इज ट्रेडमार्क ऑल्सो, एंड वी आर क्लियरिंग द रजिस्ट्रेशन बिकॉज 3 साल लगते थे शुरुआत में. पहले वी हैव स्टार्टेड वेरी स्मॉल ज्वाइंट ऑफ 200 स्क्वायर फीट, जिसमें हम टेक अवे देते थे पहले, और हमारा मेजर फोकस था कि हम ब्राउन ब्रेड सैंडविच को सर्व करें और थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहे. थोड़ा सा इसलिए कहूंगा क्योंकि प्योरली हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि हम पिज्जा बाकी सारी चीजें भी सर्व कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू हैव प्रोडक्ट लिटिल बिट कॉन्शियस ऑफ हेल्थ एंड सेकेंड ऑल्सो ड्राइव यूथ. तो ये दोनों का हमारा टेंडेंसी थी स्टार्ट करने की. हम लोगों ने डाइनिंग पे बहुत ज्यादा काम करा है. मेरा आज भी मानना है, और आप भी इस चीज को बिलीव करें, कि प्रोडक्ट से ज्यादा ब्रांड वैल्यू की वर्थ होती है मार्केट में. जैसे कि, और आप उसी को रैपिडली बढ़ा सकते हैं अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर वो आप डिपेंडेंसी बढ़ती है, आप किससे बनवा रहे हैं, कौन लड़का बनाएगा, वो सारी डिपेंडेंसी बढ़ती है. तो हम लोगों ने भी ब्रांड पे वर्क करा है, हमने उसका प्रेजेंटेशन पे वर्क करा है, डाइनिंग पे वर्क करा है. प्रोडक्ट ऑब्वियसली हमारा ब्राउन ब्रेड सैंडविच है, प्लस ब्राउन ब्रेड बर्गर है, और बाकी सारे आर्टिकल्स ऐड करें. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने प्रोडक्ट्स भी बहुत इंप्रूव कर दिया, लेकिन हमने शुरुआत से डाइनिंग को प्रीमियम रखने की कोशिश करी है. 2017 में अपने 2 स्टोर थे और दोनों ही कंपनी ओन्ड स्टोर थे, लेकिन हमने ग्रेजुअली सिर्फ डाइनिंग ही अपने पास रखा, और अब हम एक डाइनिंग स्टोर हमारा कंपनी का रन कर रहा है, विच इज 1,000 स्क्वायर फीट इन बहराइच. इट्स वेरी स्मॉल सिटी इन यूपी, विच इज रनिंग फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स. 3 साल से कंप्लीट प्रॉफिटेबल स्टोर है, और वो 1,000 स्क्वायर फीट का स्टोर है, जो कि वहां का एक लैंडमार्क फ्लैगशिप स्टोर है. आफ्टर दैट, इन आफ्टर 1 ईयर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसको फ्रेंचाइजी मोड पे करें, बिकॉज वी आर अर्निंग गुड मार्जिन फ्रॉम 1 स्टोर. सो लेट पीपल ऑल्सो ड्राइव द सेम थिंग एंड हैव गुड मार्जिन एंड देयर इजिबिलिटी ऑफ लिविंग. तो हम लोगों ने उसको फ्रेंचाइजी मोड पे डाला, और उसके बाद अभी हमारे पास सक्सेसफुली 9 स्टोर्स आर रनिंग अक्रॉस यूपी. तो जिसमें हमने अभी उरई में स्टोर खोला, 6 स्टोर हमने लखनऊ में खोले, देन बहराइच हो गया, फिर इलाहाबाद है, फिर कानपुर है, एंड देयर नंबर ऑफ स्टोर्स आर इन पाइपलाइन. सो दिस इज द स्टोरी हाउ वी स्टार्टेड. अगर हम देखें तो पूरा जो सिस्टम है वो बहुत ही लो कॉस्ट मॉडल पे बनाने की कोशिश करी थी, क्योंकि आई ऑल्सो हैव वेरी लार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फूड इंडस्ट्री, अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. आई वर्क विद वॉलमार्ट, आई वर्क विद कॉफी डे, पिज्जा हट एंड मेनी अदर ज्वाइंट्स विच हैज रोबोस्ट सिस्टम. रोबोट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ, अभी क्या होता है, जो स्टोर्स खुल रहे हैं नए, उनका ऑपरेशन कॉस्ट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से वो 2, 4, 6 महीने के बाद ब्लीड करने लगते हैं. अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हाई होगा, आपका लेबर कॉस्ट हाई होगा, सर्वाइवल बहुत टफ हो जाएगा. देखिए, सबसे पहले हम कोई भी ज्वाइंट खोलते हैं,
उसमें रेंटल एक मेजर पार्ट है और दूसरा मेजर पार्ट होता है लेबर और टीम मेंबर्स। तो ये दोनों कॉस्ट अगर हमने ऑप्टिमाइज नहीं करी तो आपका सर्वाइव बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों ने इसी पे वर्क करा, हमने स्क्वायर फीट का रेट पूरा निकाला किस तरीके से होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट पे वर्किंग सही आती है, और दूसरा हमारा स्टाफ क्या होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के भी दिमाग में क्वेश्चन होगा कि शेफ कहाँ से आता है, तो मेरा मानना है कि देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ शेफ इन आर इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्री मीन क्यूएसआर में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यूएसआर जैसे कि डोमिनोज है, मैकडी है, कॉफी डे है, पिज्जा हट है, दे ऑल हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ शेफ। उनका क्या तरीका है, वो फ्रेशर्स को लेके ट्रेन करते हैं, लाइक हम लोग भी वही करते हैं, फ्रेशर्स को लेके ट्रेन करते हैं और उनको स्किल बनाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी वी वर रिकॉग्नाइज्ड इन 2018 बाय डीडी न्यूज चैनल एंड आर स्टोरी वॉज पब्लिश, क्योंकि हमने गांव के बच्चों को लाकर ट्रेन करके और उनसे पिज्जा का सारा वो कराना और उनको रेसिपी सिखाना। तो एक बहुत अच्छा वो भी होता है कि आप आसपास के बच्चों के जो कि नॉन स्किल्ड उनको आप ट्रेन कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट वेरी टफ टास्क। इससे दो चीजें हमारी कवर होती थी, पहली एक तो आपका कॉस्टिंग ऑफ ऑपरेशन बहुत कम होता है। ये फ्रेशर बच्चा 6,000-7,000 रुपए में अवेलेबिलिटी है इन द मार्केट इन यूपी, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा इन इंडिया, बट यही जो कि डोमिनोज और बाकी रिटेलर्स दे रहे हैं वो सेम प्राइस है। और अगर हम यूपी का मिनिमम वेजेस देखें तो वो भी 7,000 के आसपास है, तो हम लोग इसी कॉस्ट पे इजिली फ्रेशर्स मिल जाता है। दूसरा हमारी डिपेंडेंसी बहुत लो होती है, जैसे कि अगर आपके पास अगर कोई शेफ है तो आपकी डिपेंडेंसी बहुत हाई है कि वो चला जाएगा तो क्या होगा, उसका रहने का कैसे करें, उसको एडवांस देना है कि नहीं। दीज ऑल डिपेंडेंसी विल रिड्यूस, इवन रिमूव कह सकते हैं, हमें उनको रखना नहीं है। दे आर कमिंग एट 9, दे आर गोइंग एट 9 or 10, वट एवर शिफ्ट वी डिसाइड, लेकिन हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आज एक बच्चा चला गया दूसरा विल इजिली टेक ओवर। तो इस मॉडल पे हमने काम करा। अभी जो हम लोगों का फोकस है ईज ऑफ बिजनेस, कैसे हम और मिनिमाइज करके स्टोर्स की कॉस्ट को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उस पर ही लगातार वर्किंग है। जो स्टोर्स पहले हम 12-13 लाख रुपए में बन रहे थे, अभी वो 8-9 लाख रुपीज में कंप्लीट डाइनिंग स्टोर तैयार होता है, इंक्लूडिंग ब्रांड भी अभी। और दूसरी चीज, 8-9 लाख रुपीज जो ब्रांड जो कंप्लीट कॉस्ट है उसका भी बायफर्केशन आपको इमीडिएट मिल जाता है जैसे ही प्रॉपर्टी फाइनलाइज होती है। तो जैसे कि आप लोगों के पास एक क्वेश्चन होगा कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉपर्टी। अगर वो 400-500 स्क्वायर फीट का कोई प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट में ईच एंड एवरी आर्टिकल का मैं आपको बायफर्केशन दे दूंगा, एंड वो 8-9 लाख रुपए के ऊपर नहीं जाएगा। सेकेंडली, यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक ईच एंड सारे आर्टिकल्स को, आप मार्केट में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे एसी का मैंने अगर आपको दिया कि 32,000 रुपीज लगना है, सो यू कैन क्रॉस चेक एसी का प्राइस, अगर आपको लग रहा है कहीं सस्ता है तो यू कैन बाय। तो आपके पास एक ऑप्शन भी है कि आप अपने हिसाब से मार्केट परचेज कर सकते हैं एज पर द कंपनी नॉर्म्स, और रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट को। कई जगह पे हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के साथ क्या हुआ है, उन्होंने बोला हमारे पास कंप्यूटर पहले से रखा हुआ है, हमारे पास एसी पहले से रखा हुआ है, तो हमने वो कॉस्ट रिड्यूस कर ली, हमने वही चीजों को यूज करा है। सो यू गाइज हैव ऑल फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज योर आर्टिकल विद इन दिस प्रोजेक्ट, तो वो कॉस्ट भी कम हो जाती है। कई जगह पे ऐसा भी है कि हमारे पास सिर्फ 300 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो 300 स्क्वायर फीट के लिए आपका वो कॉस्टिंग और कम है। मतलब ये सब बनाने का मतलब है कि हम कॉस्ट बता रहे हैं वो प्रॉपर्टी साइज पे है और उसका बायफर्केशन इमीडिएट मिल जाना है आपको। तो आपकी कॉस्टिंग एक तरीके से आपके हाथ में है, मतलब ब्रांड फी को अगर हम छोड़ दें उसके अलावा जितनी कॉस्टिंग है वो मैक्सिमम आपके हाथ में, 75% आपके हाथ में। सॉफ्टवेयर को छोड़ दें, थोड़ा बहुत इंटीरियर छोड़ दें, तो 75% आपके हाथ में है, और उसके बिल के खर्चे भी आप ही के हाथ में है। तो आपको पता रहता है कि आपका स्टोर का जो कॉस्ट है वो कैसे आ रहा है इतना और क्यों खर्च हो रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे इन द मार्केट, तो अगर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बताया जाता है वो पूरा जमा करके तब वो बना के देते हैं स्टोर, पर हम लोगों ने क्या करा है कि वो वाला सिस्टम नहीं रखा है। हम आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट बता रहे हैं और आप उसको चेक करिए, अगर आपको लगता है कि महंगा है सस्ता है तो वी कैन डिस्कस कि आप वहीं से ले लें या हमसे ले लें। सो वी आर नॉट डीलिंग विद एनी ऑफ द मटेरियल, हम मटेरियल किसी भी डील नहीं कर रहे, हम प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं आपको, और स्टोर चलाने के लिए जो हेल्प चाहिए वो सारी अवेलेबिलिटी कराएंगे। उसके बाद वी कम्स टू द ट्रेनिंग पॉइंट। सबसे बड़ा चैलेंज आता है ड्यूरिंग द स्टोर ऑपरेशन की ट्रेनिंग कैसे होगी।
तो अभी हम लोगों का ये रहता है कि सेंट्रलाइज बंदा आपके पास रहेगा कुछ दिन, 15 दिन, 20 दिन, वट एवर टाइम यू आर आस्किंग टू स्टे दैट गाय एंड हिल हेल्प आउट फॉर अ लॉन्गर टाइम. मतलब वो पेड बेसिस पे है पर वो वहां पे आपके पास रहेगा जितने दिन आप चाहेंगे और वो वहां की टीम को आप ट्रेन करके देगा. और जो बाकी जितनी भी टीम है वो लोकली हायर होती है जिससे हमारी डिपेंडेंसी बिल्कुल भी किसी एक पे ना रहे. तो हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर प्रॉपर्टी फाइनलाइजेशन हम हायरिंग पे फोकस करते हैं और वहीं जिस जगह पे हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसी के आसपास के 4-5 लोगों को हायर करके हम एक स्टाफ का ग्रुप बनाते हैं जो कि हमारा सेंट्रलाइज बंदा उनको ट्रेन कर देगा. तो ये हो गया हमारा और दैट कॉस्ट ऑल्सो मिनिमाइज. आपका वहीं आसपास का होगा तो उसके लिए चैलेंज नहीं है. आपके स्टोर पे पहुंचना, टाइमिंग का कट ऑफ, उसका शिफ्ट मैनेज करना, एवरीथिंग वुड वर्क इन दैट वे. वेयर वी कैन सम टाइम वी कैन टेक अ स्टाफ फॉर पार्ट टाइम ऑल्सो. जैसे हमारे ज्यादातर स्टोरों में 2 बच्चे पार्ट टाइमर हैं, 3 बच्चे फुल टाइमर हैं जिससे कि आपकी कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाती है. तो ये स्टाफ का पार्ट हो गया. थर्ड आता है आपका स्टॉक्स कैसे आएगा. तो ब्रेड के लिए हमने सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया है जहां से हम ब्रेड डिलीवर करा रहे हैं. लेकिन अभी क्या है कि ये यूपी के लिए था. जैसे अब बाकी जगह पे हम और जा रहे हैं वहां पे हमने ये हमारा ये सिस्टम है कि जहां पे भी हम जा रहे हैं अगर वहां सेंट्रलाइज अवेलेबिलिटी नहीं है तो विल बिल्ड अ न्यू वेंडर. हम अपनी रेसिपी उस वेंडर को देंगे, वो आपको ब्रेड सप्लाई करके देगा. और उसके अलावा बाकी जितने भी वेरियंट्स हैं दैट अवेलेबल अक्रॉस द मार्केट और हमारे पास उनके नेशनल वेंडर से टाई अप्स हैं, जैसे वीवा है सॉसेस के लिए या फिर मकेन है फ्रोजन के लिए, वो सारे आर्टिकल्स आपको डोर पे अवेलेबल होंगे ऑन ऑन ऑर्डर. तो दीज डिलीवरीज ऑल्सो ऑन डोर स्टेप. तो कुल मिलाकर कोई भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारा डोर पे ही डिलीवर होना है. सो ये हो गया स्टॉक्स का. थर्ड फोर्थ आता है अपना, अगर हम ट्रेनिंग हो गया, स्टाफ का प्रॉब्लम हो गया, देन कंटिन्यूसली हैंड होल्डिंग. हैंड होल्डिंग में क्या है, मेन्यूज मेन्यू ऑलवेज रिक्वायर्ड अपडेशन. तो लगातार फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के कॉल आते हैं कि सर इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं क्या, ये ऐड कर सकते हैं. तो विल डिस्कस इन ग्रुप एंड फाइंड आउट कि क्या आइटम हमारा फिजिबल है, क्या नहीं फिजिबल है, हम प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है. क्योंकि देखिए आप जब स्टोर खोलेंगे तो आपके पास लगातार लोग ऐसे ऐसे आएंगे कि आप डोसा क्यों नहीं बेचते, उससे प्रॉफिट होगा. फिर आप कोई बोलेगा चाइनीज, सभी चीजों को कैटर करना कभी अच्छा नहीं है क्योंकि आप सब में जाएंगे तो किसी एक को भी नहीं रोक पाएंगे. तो हम लोग वो चेक करते हैं कि क्या उसकी वायबिलिटी है, क्या वो फिजिबल है, और दूसरा उसका रेप्लिकेशन कितना आसान है. रेप्लिकेशन मतलब मैं ये नहीं चाहता कि किसी एक स्टोर पे पिज्जा बिक रहा है और दूसरे पे ना बिके. तो यूनिफॉर्मिटी के लिए हम ये चेक करते हैं कि क्या ये सब जगह वायबल है, और अगर ये वायबल है और हमारा कॉस्ट भी इफेक्टिव भी है तो फिर स्टार्ट करने में कोई चैलेंज नहीं है. तो इन दिस वे वी हैंड होल्ड ईच फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बाय अपग्रेडिंग देयर मेन्यूज. तो ये भी हम करते हैं. उसके अलावा और सबसे ज्यादा फोकस होता है कि ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड प्रोडक्टिविटी, ब्रांड के वैल्यू से आपको क्या फायदा हो सकता है उस पर बहुत काम करते हैं. वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द इवेंट्स. तो हम लोग ब्रांड विजुलाइज करने के लिए इवेंट्स लगातार प्लान करते रहते हैं. फिटनेस इवेंट्स और कई तरीके के इवेंट्स हैं जिसमें हमारा ब्रांड पब्लिसाइज होता है. अगर आपकी सिटी में जैसे हमने स्टोर खोला और वी कैन ऑल्सो डू सम ग्रेट इवेंट्स जहां से आपके स्टोर्स को फायदा मिल सकता है, कस्टमर लिंक हो सकते हैं, जहां से आपका फुटफॉल बढ़ सकता है. तो दैट ऑल्सो वी डू इट. लेट्स कम टू द फ्रेंचाइजी स्टोर. सो दीज आर द सेटअप्स. यू कैन सी द सेटअप्स, इट्स लुक वेरी प्रीमियम एंड ऑल्सो इट इज 75% पोर्टेबल. मतलब बहुत कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कई बार प्रॉपर्टी गलत हो जाए या हमें लगता है कि यहाँ से हम नहीं आ पा रहा है तो इट्स मैक्सिमम पोर्टेबल. तो ये हमारा स्टोर्स हैं. जैसे इस पिक्चर्स में अगर आप देखें तो ओरई का स्टोर है विच इज वेरी स्मॉल सिटी इन यूपी एंड द सेकेंड वन इज इन फ्रॉम लखनऊ. सो दीज आर द स्टोर लिस्ट. दीज आर द ब्रांड रिकॉग्निशन. वी गेट सम अवार्ड्स ऑल्सो इन 2018 एंड 19. सो दीज आर द अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन विच वी रिसीव. ब्रांड पुस्तक जो मैंने बार बार अभी बोला है कि हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई ओपनिंग हो वी ट्राई टू बूस्ट दैट ओपनिंग एज मच एज पॉसिबल. मीडिया कवरेज कराने की कोशिश करेंगे. कोई अगर अपने पास सेलिब्रिटी अवेलेबल है फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड और एनी ऑफ द लिंक विच यू गाइस कैन प्रोवाइड और आई कैन कनेक्ट, वी श्योरली इनवाइट देम फॉर अ ओपनिंग. सो हमने करा हुआ है. जैसे अभी इस फोटो में देख सकते हैं तो राय जी हैं जो हमारा एक वन ऑफ द स्टोर उन्होंने ओपन करा है. देन एजुकेशन मिनिस्टर वन ऑफ द स्टोर हैज ओपन.
सो इसी तरीके से देयर आर वन कैबिनेट मिनिस्टर्स ओपन. सो वी ट्राई टू यू नो हैव वेरी हाई वाइब्स इन द मार्केट कि दिस स्टोर दिस ब्रांड इज ओपन नाउ सो पीपल गेट कनेक्टेड. दिस इज आवर फूड. सो ब्राउन सैंडविच, ब्राउन बर्गर, पिज्जा, पास्ता, मैगी, मल्टीग्रेन, सबमरीन. सबमरीन इज वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी फास्ट मूविंग आर्टिकल विच वी आर सेलिंग. रैप्स, फ्राइज, कोल्ड कॉफी, शेक्स, ब्राडा, डेजर्ट्स हैं, टी है, गार्लिक ब्रेड्स, नाचोस. फॉर कॉफीज वी हैव टाई विद कॉफी डे. दे आर सप्लाइंग द मशीन टू अस. इफ यू रिक्वायर दैट मशीन देन वी कैन टेक दोज मशीन, अदरवाइज वी कैन हैव ओन ऑप्शन ऑल्सो. सो दीज आर द फूड्स विच वी आर कैटरिंग. We also add some article जब भी लगता है कि किसी का suggestion है, we add article. Non-moving articles को हम work करते रहते हैं through our centralized system and we remove those articles which are not selling across the stores or very minimum sale of that store. Because menu बहुत competitive होना चाहिए, बहुत compact होना चाहिए, customer confused नहीं होना चाहिए कि इतना सारा है और इसमें क्या अच्छा होगा. So that very selective. So if article is not selling from longer time, we'll remove that, we'll add some more articles. So this is the article across around 100 articles we have added in the menu. And these all are started from 19 rupees, which is tea, to 200 rupees. So very competitive, very pocket friendly articles, this kind of food which we are catering. Why we are choosing our brand? High profitability. हमारा food cost जो है, आपको बहुत simple language में अगर 3 रुपए का आर्टिकल है तो वो 10 में बिकेगा. दिस इज द कैलकुलेशन विच वी ड्राइव. वेरी सिंपल कैलकुलेशन. 33% इज द फूड कॉस्ट. सो हाई प्रॉफिटेबिलिटी. इफ यू यू नो पुट 33 रुपीज विल सेल इन 100 रुपीज. अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट. देखिए डाइनिंग, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत 8-14. जब आप डाइनिंग का कंपेरिजन करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत लो है. हम टेकअवे से कंपेरिजन करने लगते हैं इसलिए हमें लगता है कि हाई है. टेकअवे मॉडल और डाइनिंग में बहुत फर्क है. टेकअवे में पूरा सेटिंग ही नहीं होता है और सिटिंग का ही मेजर कॉस्ट होता है. आपका फर्नीचर ही फर्नीचर करीब 1.5 लाख रुपए का लग जाता है. आपका एसी का ही कॉस्ट 30,000 रुपए हो जाता है. आपकी ब्रांडिंग का ही कॉस्ट करीब 17,000 रुपए हो जाता है. तो दिस टाइम दिस स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स विल एड अप अराउंड 3-4 लाख रुपीज. अगर आप उसको टेकअवे में कन्वर्ट करेंगे तो इजिली डिक्रीज टू 4 लाख रुपीज. तो ये अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट है फॉर डाइनिंग. आप 8-14 का मतलब एज पर द साइज आपको एक बेस्ट प्रीमियम डाइनिंग मिल जाएगा. हैंड होल्डिंग इसलिए कि see like we are a startup, we are trying to set up our offices. Abhi humne office shuru kara hai. We have a small team and we are trying to track each and every stores which are opened. Kyunki mouthward se hi stores aage badhte hain. If you are happy, if our franchisee partner is happy, then another store will open. If you are not happy, if you are not gaining something, will not open another store. So that calculation we work continuously. Hand holding means any time if you feel any kind of support for the stocks, for the training and anything will be available. This is the return on investment. कितना मिलेगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम अगर खोलते हैं क्या मिलेगा. सो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन विच आई फिगर आउट इन द शीट. 7,000 रुपीज का अगर सेल है सो यू कैन इजिली अर्न अराउंड 53,000 रुपीज. वो कैसे है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. आप भी अपने पेज पे इजिली कर सकते हैं. देखिए 4 आर्टिकल हैं जो आपको स्टोर्स में खर्च होते हैं. सबसे पहला होता है रेंट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा सैलरी और चौथा होता है जो डेली का छोटा एक्सपेंस होता है. सो दीज 4 आर्टिकल्स ही इस पूरे बिजनेस में एक्सपेंस के नाम पे आएगा. अभी रेंट क्या है, 30,000 हमने एक बेंचमार्क सेट करा है. 30,000 इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपने 300 स्क्वायर फीट का एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो 100 रुपए स्क्वायर फीट हमने बहुत हायर नोच पे लिया है. आफ्टर कोविड हमारी 7 से 8 स्टोरों का रेंट हाफ हुआ है. तो आपको प्रॉपर्टी और सस्ती मिलनी चाहिए बट हमने 30,000 के कैलकुलेशन पे रखा हुआ है. 400 स्क्वायर फीट का अगर स्टोर है या 300 का है या 500 का है तो 30,000 रुपीज होना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी 13,000 रुपये आता है. हमने पूरे साल का एवरेज निकाला है. आपका गर्मी में हो सकता है 17,000 आएगा, जाड़े में 9,000 भी आएगा बट एवरेज 13,000 रुपये है. सैलरी 30,000 रुपये कैसे आएगा, आपके एक बंदे का कॉस्ट 7,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक आना है और हमें 4 लोगों से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है. तो 4 और 1 अगर पार्ट टाइम भी डाल देंगे तो हमारा 30,000 रुपीज का सैलरी ब्रैकेट है और हमें इसी पे रहना भी है. मतलब अगर हम रहना भी का मतलब है कि अननेसेसरी अगर हम 2-3 लोगों को और जोड़ देंगे तो वी आर इंक्रीजिंग आर कॉस्ट. तो एक तरीके से आपके पास एक बेंचमार्क भी है. अदर एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज जो हमारा डेली का खर्चा होता है, फॉर डीजल है, कोई क्लीनिंग आर्टिकल आ रहा है, कुछ हार्पिक आ गया, इस तरीके से छोटा मोटा कुरियर है,
सो दैट कॉस्ट 3000 रुपीज। तो ये सारा अगर हम मिलाएंगे तो टोटल एक्सपेंसेस आपका 86000 रुपीज का है अगेंस्ट द सेल ऑफ 7000 रुपीज पर डे विच इज 210000 रुपीज मंथली। और अगर हम फूड कॉस्ट जो कि मैंने आपको बताया 33% है तो आपका 70000 रुपये वो माइनस होता है। तो 70 और 86000 अगर हम हटा देंगे तो आपके पास टोटल जो प्रॉफिट बच रहा है वो 63000 का बचेगा 7000 पे। दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन चेक आफ्टर दिस मीटिंग और यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, आई कैन एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। एंड दिस इज वेरी सिंपल, दिस पीनल आई एम मेकिंग फॉर अदर स्टोर ऑल्सो, फॉर बहराइच स्टोर ऑल्सो, फॉर एनी फ्रेंचाइजी स्टोर विल आस्क फॉर दिस शीट एवरी मंथ। हम उनका एक्सपेंस लेके हम उनको ये पीनल बना के दे भी देते हैं कि आप इस मंथ में आपने क्या अर्न कर रहा या क्या आपका रहा। सो दिस इज कंप्लीट अर्निंग। सो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका ROI जो है वो इजीली यू कैन क्रैक योर ROI मैक्सिमम बाय 14 मंथ, 14 महीने में आपका कैपिटल निकलना चाहिए जो हमारा कैलकुलेशन है और जो कि निकलता है आप अगर स्टोर पे फोकस है। तो दिस इज अ कैलकुलेशन। अगर यही 9000 का सेल होता है जैसे हमारे कुछ स्टोर कर रहे हैं, आप इजीली अर्न अराउंड 82000 रुपीज। What brand charge only 5% royalty. That is whatever sale you do, जैसे 7000 रुपीज का सेल हुआ तो 350 रुपए का आपका रॉयल्टी चार्ज होगा पर डे का। सो दिस इज द कैलकुलेशन विच वी चार्ज। वी हैव एग्रीमेंट होगा उसमें, एग्रीमेंट में दीज आर द मेंशन, दीज आर द पॉइंट्स विच वी मेंशन एंड दिस इज वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ ROI, क्या ROI रहेगा। दिस इज द कैलकुलेशन। This is our customers photographs ki kis tarike se we try to celebrate each and every occasion and we suggest every franchisee partner to have all the numbers, date of birth and everything. We'll try to do the best wishes from centrally also. Jitne bhi hum events kar rahe hain unka data bhi hum work karte hain jisse ki hum unko connect kar sake. Dekhiye retention is very important. There are nowadays very quickly stores are opening. People are opening bahut jaldi jaldi, logon ko lagta hai ki food ज्वाइन चलाना बहुत आसान है, मे बी इजी होगा बट उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो आपके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए बेस्ट होता है कि आप रिटेंशन पे कितना काम कर रहे हैं, कस्टमर रिटेंशन पे। हम प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, हम आपको ऑपरेशन हैंड होल्डिंग करा सकते हैं, आपका टीम ट्रेन कर सकते हैं, बट कस्टमर रिटेंशन पे आपको काम करना होगा। और दिस इज द वे हाउ वी वर्क, दिस इज द स्टोर पिक्स जो हमको फ्रेंचाइजी स्टोर से मिलती है जो बोलते हैं कि देखिए हमने ये करा है, दिस इज द वे how we increase our sale. So this is all about Mr. Sandwich. Ashok ji, any